नमस्कार, ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मेरे साथ मौजूद है सुरभि। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरें आपको फटाफट अंदाज में भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का, जहां भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में वायुसेना की परेड भी जारी है, पहली बार चंडीगढ़ में फ्लाई पास्ट और परेड होगी। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और एयरफोर्स डे पर वायु वीरों का आज पराक्रम भी देखने को मिलेगा। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए चंडीगढ़ से। तो वायुसेना के स्थापना दिवस पर ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली बार LCH प्रचंड की धमक भी देखने को मिली और साथ ही साथ राफेल की ताकत भी अब दुश्मनों को दिखाई जाएगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी तक भारतीय नौसेना में बात करें या फिर इंडियन आर्मी में बात करें या इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इन तीनों ही सेनाओं की टुकड़ियों में अब कई ऐसे इंडियन एयरफोर्सेस को भी बहुत बड़ी सौगात मिल चुकी है। क्योंकि हाल फिलहाल में भी जब LCH को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि एक लाइट वेट कॉम्बैट भी इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा, रक्षा मंत्री ने खुद उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी और उसके बाद वायुसेना को इसकी कमान सौंप दी थी। और उसके बाद से अब देखिए 90 साल की हुई इंडियन एयरफोर्स और आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में एयरफोर्स डे पर वायु वीरों का पराक्रम भी देखने को मिलेगा। 84 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे, राफेल से लेकर के LCH प्रचंड का जलवा भी देखा जाएगा। राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही इस कार्यक्रम में मौजूद और ये खबर आपको बता रहे हैं और आपको तस्वीरें भी कुछ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वायु वीरों का पराक्रम दिखाई दे रहा है आज। क्योंकि चंडीगढ़ में इस वक्त ये वायुसेना की परेड भी जारी है और साथ ही साथ जो कार्यक्रम रखा गया है वायुसेना की तरफ से, ऐसे में हैरतअंगेज करतब भी दिखाए जाएंगे वायुसेना की तरफ से। तो दो तस्वीरें आप देखिए, आपको चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप वायु वीरों का पराक्रम देख रहे हैं। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के खेमे में आज स्वदेश निर्मित लड़ाके विमान भी शामिल हुए, जिसका आज पराक्रम आप कुछ ही देर में देखेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर राष्ट्रपति हो, सभी तमाम दिग्गज नेता इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं और यहां पर परेड भी हो रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि हर साल 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस साल ये विशेष आयोजन चंडीगढ़ में हो रहा है। तो चंडीगढ़ में सुखना लेक पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और सुखना लेक से ये सीधी तस्वीरें आपको जी हिंदुस्तान दिखा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तीनों सेना प्रमुख और समेत हजारों लोग इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि 1932 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब 90 साल हो चुके हैं और 90 साल का इंडियन एयरफोर्स हो चुका है। और इस बार देखा गया कि कई स्वदेशी लड़ाकू जहाज भी सौंपे गए, जो कि वायुसेना की ताकत को बढ़ाता है। और आज उनका पराक्रम भी आप सीधा चंडीगढ़ से देखेंगे। देखिए हालांकि इस साल वायुसेना दिवस को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और आज सुबह चंडीगढ़ एयरबेस पर जो परेड का आयोजन चल रहा है और इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी परेड की सलामी लेते हुए नजर आए और वायु सैनिकों को संबोधित भी आज करते हुए नजर आएंगे वो। और इसी दौरान एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के दो फॉर्मेशन की फ्लाई पास्ट भी की जाएगी और इसके साथ साथ वायु सैनिकों को वीरता मेडल से भी नवाजा जाएगा। और इस खास मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी करेंगे और उसे लम्हे का इंतजार है क्योंकि आज 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वायुसेना का। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट। महाराष्ट्र के नासिक से बहुत बड़ा हादसा, बस में आग लगने की वजह से 12 लोगों की हुई मौत। नासिक हादसे के शिकार बस में सवार थे 25 यात्री, नासिक औरंगाबाद हाईवे पर हुआ हादसा, यमतमाल में मुंबई जा रही थी बस। हिंदुस्तान पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, नासिक बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद, घायलों को मुफ्त इलाज कराएगी सरकार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रात 2 बजे कार में ब्लास्ट हुआ, कोई घायल नहीं, पुलिस स्टेशन की पार्किंग में जब्ती के बाद 2018 से खड़ी थी कार। वर्ण और जाति व्यवस्था पर RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि अतीत को भुला दिया जाना चाहिए।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दो दिवसीय कानपुर दौरा, स्वर्घोष शिविर समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ आज अमित शाह की अहम बैठक, असम में बीजेपी के नवनिर्मित मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल के पद से हटने के बाद में सत्यपाल मलिक की सीबीआई ने की पूछताछ, जम्मू कश्मीर कर्मचारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल, पत्नी राबड़ी और दो बेटी भी आरोपी। चार्जशीट के मुताबिक रेलवे में नौकरी के बदले उम्मीदवारों की जमीन राबड़ी मीसा और दूसरे आरोपियों के नाम पर लिखी गई। इंडियन एयरफोर्स के आज 90 साल पूरे, पहली बार दिल्ली की जगह चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है वायुसेना दिवस। चंडीगढ़ के सुखना लेक के आसमान में हवाई करतब पे 84 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर शामिल। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे पर वायुवीरों का भव्य पराक्रम, आसमान में दिखा वायुवीरों का शौर्य। चंडीगढ़ में आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, भारतीय वीरों का गगन गर्जन। पीएम मोदी ने एयरफोर्स डे की बधाई दी है और कहा है कि वायुसेना का साहस प्रेरणा देने वाला है, सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण पर गर्व है। ईडी के तलब करने पर डीके शिवकुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा राजनीति फील्ड में होनी चाहिए, जांच एजेंसी के दफ्तर में नहीं। शिवसेना में चुनाव निशाने को लेकर के उद्धव गुट को जवाब देने का आज आखिरी मौका है, दोपहर 2 बजे तक जवाब दाखिल नहीं हुआ तो चुनाव आयोग सुनाएगा अपना फैसला। चुनाव निशान पर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का भी बयान, कहा यदि चुनाव आयोग ने गलत फैसला दिया तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। शिवसेना के दोनों गुटों में लोकल दफ्तरों पर कब्जे की लड़ाई भी शुरू, मुंबई के दो दफ्तरों पर दोनों गुटों ने दावा ठोका। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शिवसेना पर आरोप लगाते हुए नजर आए, कहा कि कोरोना काल में जब बिजनेस ठप पड़े थे तब सामना ने 2 साल में 42 करोड़ का बिजनेस किया। 2 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दाहोद में जनसभा को करेंगे संबोधित, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 2 दिन में 2 हादसे, गुजरात के आनंद में गाय से टकराने के बाद में बम्पर को नुकसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले ट्रेन बहुत मजबूत। दिवाली से ठीक पहले आम आदमी को बड़ा झटका, सीएनजी के दाम में 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, पीएनजी के दाम में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में सीएनजी 78 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हुई तो वहीं गाजियाबाद में सीएनजी 81 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, विदेशी फंडिंग मामले में हो सकती है कार्रवाई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का कथित ऑडियो वायरल, इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि वो अपनी सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। दिल्ली में ईरान गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से पकड़ा है। दिल्ली के साउथ ईस्ट साइबर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर भागा आरोपी, एसआई और कांस्टेबल सस्पेंड। राजधानी दिल्ली में रिमझिम बारिश से तापमान में आई गिरावट, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। मुंबई में जोरदार बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, साइन हिंदमाता समेत कई इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मनाया गया है वन्य जीव सप्ताह, जागरूकता पैदा करने के लिए निकाली गई है रैली, स्कूल कॉलेज और छात्रों पर चढ़कर हिस्सा लिया। मुलायम सिंह यादव की तबियत में सुधार नहीं, सांस लेने में अब भी दिक्कत, सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी। यूपी नगर निकाय चुनाव में विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी में बीजेपी, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारियों को देंगे जीत का मंत्र, बीजेपी कार्यालय में होगी अहम बैठक। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। गुजरात चुनाव के लिए यूपी के 163 कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार, 64 विधानसभा सीटों पर दी जाएगी जिम्मेदारी। गाजियाबाद के नेहरू नगर इलाके में कारोबारी को बंधक बनाकर 20 लाख की लूटपाट की गई, सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश की गई। उत्तर प्रदेश के जालौर में एआरटीओ विभाग में तैनात बाबू रिश्वत लेते हुए कैमरे में हुए कैद, वीडियो वायरल होने पर एआरटीओ ऑफिस में हड़कंप। ईरान से शुरू हुई हिजाब की लड़ाई भारत तक पहुंची, ईरानी महिला महसा के समर्थन में नोएडा की अनुपमा भारद्वाज ने काटे अपने बाल। पौड़ी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, अलकनंदा के धार में फंसी कार पर चढ़ा चालक, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने चालक को बचाया। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम की पहाड़ियों में सीजन की पहली बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट।